जालौन के कोंच नगर पालिका पर अनियमितता के आरोप लगाए हैं। मामला यह है कि नगर पालिका के अध्यक्ष का कार्यकाल 15 जुलाई 2017 को समाप्त हो गया। पालिका द्वारा एक विवाह घर का निर्माण कराया गया था जो अभी तक पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हुआ। फिर भी कार्यकाल समाप्त होने के बाद वोट बैंक को देखते हुए एक जाति विशेष को ध्यान देते हुए गुपचुप तरीके से लोकार्पण कर दिया और शिलालेख भी लगा दिया। जब इस मामले पर नगर के कुछ लोगों ने जनपद के भाजपा के नेताओं को अवगत कराया, क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा के नेताओं ने यह मामले को प्रदेश के नगर विकास मंत्रालय तक पहुंचा दिया। नगर विकास मंत्रालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल जनपद प्रशासन से इसको रुकवाने के निर्देश दिए, जिससे यह तत्काल रुक गया। लोगों की शिकायत कल मेरे पास ये पहुंची कि अभी तक विवाह घर पूर्णतः निर्माण हुआ नहीं, ना ही उपयोग के लायक है, लेकिन चूंकि पालिका अध्यक्ष जी का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है तो उन्होंने पुरानी तिथि में उस पत्थर को लगा के गुपचुप उसका शिलान्यास करवाने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही इसकी सूचना मुझे मिली तो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष होने के नाते मैंने इसकी सूचना आपके नगर विकास मंत्री लखनऊ को दी और स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन को इससे अवगत कराया और मैंने उनको बताया कि ये कानूनन रूप से सही नहीं, क्योंकि कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद आपके पास वैधानिक कोई ऐसा अधिकार नहीं रह जाता है कि जिस आधार पर आप उसका लोकार्पण कर सकें। लेकिन पालिका की नीयत या मंशा क्या रही मेरे समझ में नहीं आया, तो उस पर तुरंत जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने उसको लोकार्पण करने से उसको रोक दिया गया। तो जैसे ये पत्थर लगाया गया तो उसमें 15 जुलाई 2017 को संपन्न बताया गया, क्योंकि वास्तव में 15 जुलाई को ही लगाया गया कि उसके कार्यकाल समाप्त होने के बाद लगाया गया। संभवतः जो सूचना मुझे प्राप्त हुई कि 15 तारीख के इसको बाद में लगाया गया, और सामान्यतः कल इसका मानी 17 तारीख को इसका लोकार्पण गुप्त तरीके से होना था, जो कि कानूनन रूप से सही नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का ये जनता से संकल्प है कि कोई भी ऐसे अवैधानिक कार्य इस प्रदेश में कहीं भी किसी के माध्यम से नहीं हो सकता। वैसे तो ये अच्छा कार्य है क्योंकि जनता को एक विवाह घर बनाया गया, लेकिन ये अभी उपयोग के लिए शायद मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूँ कि ये अभी पूर्णतः उपयोग में आने लायक स्थिति में नहीं बनाया गया है, लेकिन ऐसी क्या जल्दबाजी थी पालिका को कि इसको गुपचुप तरीके से ऐसा करना पड़ा।